हाय एवरीवन दिस इज वॉनिका आज का टॉपिक डिस्कशन का हमारा कोरल रीफ्स पे है अब देखिए यूनेस्को ने क्या कहा है रीफ शुड बी पुट ऑन अ लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर इन डेंजर तो कोरल रीफ्स को कहा गया है रखा गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अब इसको इन डेंजर की कैटेगरी में डालने की बात की जा रही है क्या ये पूरा किस्सा है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आई फील टू क्या वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा देखिए इस साल फोर्टियथ एनिवर्सरी ग्रेट बैरियर रीफ की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है वो है अब एक्चुअली तो हमको इसको ऑब्जर्व करना चाहिए सेलिब्रेट करना चाहिए लेकिन यूनेस्को ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की है और वहां पे रिकमेंड किया है कि रीफ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सेटर इन डेंजर की लिस्ट में डाला जाए अब देखिए ग्रेट बैरियर रीफ आपका ऑस्ट्रेलिया में है किसी देश की किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलेगा तो बहुत ही प्राउड की बात है बहुत अच्छी बात है लेकिन उसको इन डेंजर का दर्जा मिलेगा तो वो एक तरह से आप समझ सकते हैं उस देश के लिए अच्छा नहीं है वहाँ के इलेक्शंस के लिए अच्छा नहीं है इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है लोगों के लिए अच्छा नहीं है काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट आती है कि आप अपने देश के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी प्रोटेक्ट नहीं पाए अब और ऊपर से ये पहली बार होगा कि ये प्रपोज किया गया है इन डेंजर लिस्टिंग वाली बात और जो इफ द कमेटी फॉलोड बाय द रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन के बाद एक कमेटी बनाई जाएगी उसमें एक्सपर्ट्स रहेंगे अगर वो इस चीज को गो अहेड का सिग्नल दे देते हैं कि जो रीफ है उसको क्लाइमेट क्राइसिस से बहुत फर्क पड़ रहा है उसको इन डेंजर कैटेगरी में डाल दो तो ये फाइनलाइज भी हो जाएगा अब कोरल रीफ्स की बात करें तो कोरल रीफ्स क्या होते हैं देखिए रीफ का मतलब क्या है रीफ का मतलब है रिज कोई भी रिज जो हो किसी मटेरियल का बना हुआ ओशन के पास तो उसको हम रीफ बोलते हैं नेचुरल रीफ्स भी रहते हैं आपके आर्टिफिशियल रीफ भी रहते हैं अब कोरल रीफ क्या होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं कोरल पॉलिप्स होते हैं ये जब बहुत सारे ग्रुप्स में रहते हैं जिसको हम कॉलोनीस बोलते हैं और एक साथ ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जुड़े रहते हैं तो इसको हम कोरल रीफ कहते हैं एक तरह का बैरियर बनाते हैं इन मरीन इनवर्टिब्रेड्स की कैटेगरी में ये आते हैं और दूसरी बात आप देख सकते हैं कि इनकी सैक लाइक बॉडीज होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो सी वाटर से ये एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके साथ ये जुड़े रहते हैं जिससे हमको देखने में काफी हार्ड नजर आते हैं जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कोरल रीफ्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं और फैसिनेशन भी है मरीन इको के लिए बहुत सारे टूरिस्ट इस साइड पर विजिट करते हैं कोरल रीफ्स को देखने के लिए बहुत ही कलरफुल दिखते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में ये एलगी के साथ रहते हैं सिम्बायोटिक यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं जूज आंथला एलगी होती है जिसके साथ रहते हैं वो मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊँगी अब जो कोरल रीफ्स हैं इनको कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी किसको रेफर किया जाता है कोरल रीफ्स को कोरल्स हैबिटेट्स देते हैं काफ़ी सारी फिशेस यहाँ पे रहती हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फाउना इस एरिया में होता है और लोग जो हैं वो यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं तो लोकल इकोनॉमीज़ को भी इसका बहुत फ़ायदा होता है फिर ऊपर से जैसे मैंने आपको बताया रीफ का मतलब है बैरियर तो ये ओशन को जो बहुत स्ट्रोंग तूफान चलते हैं उससे जो लॉन्ग वेव्स शोर तक आती हैं उससे भी ये बचाते हैं जो बैरियर रीफ है तो बैरियर जो है बिटवीन कोस्ट एंड ओपन ओशन ओशन के बीच में और कोस्ट के बीच में ये एक बैरियर देते हैं जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है वो बिल्कुल इसी तरीके से बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया के मैप में आप देख सकते हैं ये वाला जो पूरा एरिया है दैट इज योर ग्रेट बैरियर रीफ ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है अगर आप देखेंगे कितनी लंबाई है इसकी ट्वेंटी थ्री हंड्रेड किलोमीटर्स यानी वन फोर टू नाइन माइल्स तक नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया की वहाँ पे है और नाइन थाउजेंड स्पीशीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और डेली जो है टाइम टू टाइम यहाँ पे नई डिस्कवरीज़ भी फ्लोरा फाउना में होती रहती हैं उसके बाद थ्री थाउजेंड इंडिविजुअल रीफ्स हैं कोरल के और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडावर्सिटी उसके बाद जो एनिमल्स इसके आसपास आप देखेंगे जिनको हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं डॉल्फिन हो गए टर्टल्स हो गए क्रोकोडाइल्स शार्क्स और इवन की काफ़ी सांप भी यहाँ पे मिलेंगे कलर्ड वर्म्स मिलेंगे एलगी मिलेगी आपको तो बहुत रिच एंड रिच फ्लोरा एंड फाना बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत अच्छी है अब ये जो चीज़ आई है कि यहाँ पर इसको इन लिस्ट में डाला जाए इस कमेटी में चाइना अभी इसको चेयर कर रहा है इस ड्राफ्ट में तो ऑस्ट्रेलिया इसको एक कह रहा है कि ये पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है अब देखिए ऐसी बातें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ पॉइंट पो, है वो कह रहे हैं कि हम तो इसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं ये हमको डिफेम करने की कोशिश है लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को पहले भी बहुत समय दिया गया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर्स लेने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया अपने लीगल ऑब्लिकेशंस को मीट नहीं करा तो एक टाइमलाइन हम देखते हैं जैसे 2012 थाउजेंड ट्वेल्व में कमेटी बैठी कमेटी ने ऑस्ट्रेलिया को वार्न किया कि रीफ को बचाओ वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेंजर में ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया का अभी तक कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है कि हम ये 2012 की बात है कि हम कोरल रीफ्स को कैसे प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करें ये डिसीजन 2013 में 14 में रिपीट किया गया और फिर फाइनली 2015 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को थोड़ा समझ में आया और वो रीफ 2050 प्लान लेके आए जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा टारगेट्स रखे रन रनऑफ को कैसे रिड्यूस करना है लैंड क्लियरिंग लॉज लेके आएंगे ग्रीन फील्ड कोल पोर्ट डेवलपमेंट्स को रोकेंगे जो कमेटी है उसने अग्री किया ठीक है 2015 की बात है 2012 के बाद उनको समझ 2015 में आई 2015 में कमेटी ने कहा ठीक है जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं 250 2050 वाला प्लान इसको हम 2020 में फिर से रिव्यू करेंगे देखेंगे कि आपने कितना काम किया और 2019 में जो ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क अथॉरिटी है उन्होंने भी पुअर टू वेरी पुअर स्टेटस दे दिया डाउनग्रेड कर दिया कि कुछ खास काम नहीं हो रहा और फाइनली 2020 में अगर आप देखेंगे एक हीट वेव यहाँ पे आई और बहुत सारे रीफ फिर से यहाँ पे मरे बहुत ज़्यादा कोरल्स जो हैं दे डाइड ऑफ और गवर्नमेंट ने 2050 प्लान को फिर से रिव्यू किया और इस प्लान को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया और आप देख सकते हैं कुछ खास मेजर्स इन्होंने नहीं लिए कार्बन एमिशन्स को रिड्यूस करने के लिए क्योंकि रीफ्स के साथ जो भी हो रहा है ये प्योरली क्लाइमेट क्राइसिस का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है अगर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इसको एंडोर्स करती है इस डिसीजन को नेक्स्ट मंथ तो ऑस्ट्रेलिया को करेक्टिव मेजर्स लेके सामने आना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा कि वो किस तरीके से इसको ठीक कर सकती है और गवर्नमेंट फ़िलहाल इस चीज़ को अवॉइड करना चाहती है ग्रेट बैरियर वाले सिस्टम को क्योंकि उनके जो फेडरल इलेक्शंस हैं उस पर इसका असर हो सकता है अब देखिए कोरल्स की बात हमने की कोरल्स रीफ्स खतरे में है इस पर पहले भी मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी आप कोरल रीफ स्टडी आई क्यू टाइप करेंगे तो आपको मिलेगा कोरल ब्लीचिंग पे हमने वीडियो बनाई है कोरल ब्लीचिंग क्या होती है देखिए कोरल्स जो हैं वो कलर्ड होते हैं ये कलर उनको एक एल्गी की वजह से मिलता है जो भी हेल्दी कोरल होगा वो आपको कलर्ड दिखेगा क्योंकि उसमें एक एल्गी होती है जिसका नाम होता है जू जान्थला ओके जेड ए एन टी एच ई एल एल ए एके जूज एंथला अब जूज एंथला क्या करती है कोरल्स को फूड भी प्रोवाइड करती है और इन टर्न कोरल्स उसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में म्यूचुअल रिलेशनशिप्स में रहते हैं जब कोरल स्ट्रेस्ड हो जाते हैं मे बी हीट वेव्स की वजह से क्लाइमेट चेंजेस की वजह से स्ट्रेस हो रहे हैं पोल्यूशन की वजह से स्ट्रेस हो रहे हैं तो एल्गी टॉक्सिक होने लगती है जहरीली होने लगती है तो कोरल्स इस एलगी को वहाँ से एक्सपेल कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं इससे क्या होगा उनका एक तो कलर चला जाएगा तो आपको लेगा ब्लीच कलरलेस होने लग जाएंगे कोरल्स उनको खाना नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक सिम्बैटिक रिलेशनशिप में रह रहे थे तो इस तरह के कोरल्स को ब्लीच्ड कोरल्स कहते हैं इस चीज़ को हम तभी ठीक कर सकते हैं अगर हम पोल्यूशन को कम करें टेम्परेचर कम हो तभी ये जो कोरल्स हैं ये रिवाइव कर पाएंगे और फिर से एलगी यहाँ पे आके करल्स को रीपॉपुलेट करेगी अगर ऐसा नहीं कर पाए कोरल्स ख़त्म होने लग जाएंगे तो उसके बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज हैं इकोसिस्टम्स वहाँ के खराब हो जाएंगे इन्वायरमेंट की क्वालिटी कम हो जाएगी फिश पॉपुलेशन जो इतनी सारी फिशेस इस पर डिपेंड करती हैं वो कम हो जाएंगी टूरिज्म रेवेन्यू फिर लोग किसको देखने आएंगे अभी तक तो कोरल रीफ्स को देखने आते थे धीरे धीरे ये डिग्रेड हो गए तो उनको कोई देखने के लिए भी नहीं आएगा तो टूरिज्म रेवेन्यू भी आपका जाएगा कोस्टल एरिया के लिए बैरियर था अब वहाँ पे इरोजन शुरू हो जाएगा और बायोडाइवर्सिटी जो इतनी वहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना है वो भी रिड्यूस होने लगेगी तो आप देख सकते हैं कि कोरल ब्लीचिंग के कितने ज़्यादा नुकसान हैं ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली कोई अच्छा प्लान लेके आना चाहिए ताकि वो इसको बचा सकें एक नेचुरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट कर सकें यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए लार्जेस्ट कोरल रीफ इन कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज अराउंड नियर द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज तो बता दिया यहाँ पे वैसे हमने बट इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है अब देखिए आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच